गलवान झड़प के बाद पहली बार हुई है भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात और असम सरकार का दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के साथ हुआ शांति समझौता। ये आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां पर देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। देश को आजादी दिलाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांप वाले अपने बयान पर सफाई दी और कहा कि उन्होंने पीएम मोदी के लिए ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया। बीजेपी के हमलावर रुख के बाद खड़गे ने बताया कि वो कभी निजी हमले नहीं करते। खड़गे के अनुसार उनका कहने का मतलब बीजेपी की विचारधारा से था। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने इशारों में बड़ा सियासी संकेत दिया। उन्होंने कहा कि रोटी पलटने का सही समय आ गया है। दरअसल मुंबई में युवा मंथन कार्यक्रम में बोलते हुए पवार ने एक बातचीत का जिक्र किया। इसमें उन्होंने बताया कि किसी ने मुझे कहा कि रोटी सही समय पर पलटनी होती है और अगर सही समय पर नहीं पलटी तो वो कड़वी हो जाती है और अब रोटी पलटने का सही वक्त आ गया है। पवार ने अपने पार्टी नेताओं को इस मिशन में जुटने की सलाह भी दी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिरोजाबाद में निकाय चुनाव के लिए प्रचार किया, जहां उन्होंने रैली में पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले गरीबों की जमीन और मकान पर कब्जा कर लिया जाता था, लेकिन मौजूदा सरकार उनके लिए मकान बनवाती है। सूडान में फंसे भारतीयों में से एक और जत्था सुरक्षित भारत पहुंचा। ऑपरेशन कावेरी के तहत मुंबई में 246 भारतीय लाए गए। इन सभी को ग्लोब मास्टर के जरिए देश लाया गया। भारतीय वायुसेना, नौसेना और विदेश मंत्रालय इस पूरे मिशन में जुटा हुआ है। उधर 297 और भारतीय सूडान से बंदरगाह से सऊदी अरब रवाना किए गए ताकि इन्हें भारत लाया जा सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले में करोड़ों के खर्च पर बीजेपी लगातार दूसरे दिन भी हमलावर रही। उसने सीएम के घर के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं आम आदमी पार्टी एक बार फिर से मुख्यमंत्री केजरीवाल के बचाव में उतरी। बंगाल में रामनवमी पर हुई हिंसा की जांच अब एनआईए करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिए। इस मामले में पुलिस दो हफ्ते में एनआईए को सारे दस्तावेज सौंप देगी।